a very good evening class 12th. the agenda for today's video is to how to study all the subjects that you have, especially chemistry. and the exam for chemistry is on 28th of february, which is roughly around 20 days from now. i'll be talking about your general timetable to be followed and, of course, how to handle your subjects. fine. i've divided this month into set of सिक्स डेज कल से फेबर थर्ड से लेके फेबर एट तक के जो सिक्स डेज है नाइन्थ फेबर से फोर्टींथ डे का नेक्स्ट डे सिक्स सेट है फोर्टीन टू ट्वेंटी में अनादर सिक्स डेज का सेट है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर्थ ये थ्री डेज तो सोलली फॉर इंग्लिश जाएंगे क्योंकि इंग्लिश आप रेगुलरली नहीं पढ़ते हो तो ये थ्री डेज तो आपको इंग्लिश के लिए ही डिवोट करने पड़ेंगे दैट इज ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकंड एंड ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ को आपका इंग्लिश का एग्जाम है ये सेक्शन 24 से, से लेकर 28 तक जो कि थ्री एंड हाफ डेज है इसके लिए हाउ टू हैंडल केमिस्ट्री इन दो थ्री एंड हाफ डेज का वीडियो मैं ट्वेंटी को अपलोड कर दूंगी एज ऑफ नाउ इस महीने में यानी कल से लेकर ट्वेंटी तक हमको कैसे पढ़ाई करनी है इसके बारे में मैं अभी बताना शुरू कर दू नाउ दाइज इज कि सब्जेक्ट कोई भी हो 18 डेज का आपको शेड्यूल चाहिए दिस इज वैलिड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स कल से जो सिक्स डेज हैं हर सब्जेक्ट के आपको टफ वाले चैप्टर्स करने हैं. तो आप अपने पूरे सिलेबस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो टफ चैप्टर्स मॉडरेट चैप्टर्स एंड ईजी चैप्टर्स इस कमिंग वीक में मतलब थर्ड से लेके एथ तक में प्लीज टारगेट द टफ चैप्टर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लगता है उस एरिया को आप थर्ड से लेके एट्थ तक में करेंगे कौन से टाइम पे करेंगे दैट इज अप टू यू किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है किसी को रात को लेट तक पढ़ना अच्छा लगता है दैट इज योर कॉल वो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करिए सिर्फ सी टू एड कि हर सब्जेक्ट में से जो टफ पोर्शन है उसको निकाल लीजिएगा और वो इस वीक के सिक्स डेज में आप ये वाले कर लीजिएगा नाइन्थ फेब्रुवरी से लेके ऑफ फेब्रवरी तक जो चैप्टर्स आपको ठीक ठीक लगते हैं मतलब फिफ्टी सिक्सटी परसेंट आते हैं फोर्टी फोर्टी फाइव परसेंट पे वर्क करना है वो वाले चैप्टर्स 9 से लेकर फोर्टींथ वाले मॉडरेट चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के सेकेंड वीक में करिएगा इन डेज़ अब इजी चैप्टर्स कि सारे सब्जेक्ट्स में आपका मेजर कंटेंट इजी होगा बेटा पूरा साल आपने पढ़ाई कर लिया है तो अब तो मेजोरिटी सेक्शन आपका इजी होना चाहिए टफ सेक्शन आपका कम होना चाहिए मॉडरेट वाला सेक्शन लेटर से अगर टेन चैप्टर्स हैं तो दो आपको मुश्किल लगते हैं तीन आपको ओके okay लगते हैं और पांच आपको ईजी लगते हैं ये रेशियो होना चाहिए ये जो पांच चैप्टर्स हैं क्योंकि ये आपको ईजी लगते हैं तो इन सिक्स डेज में आप मेजर कंटेंट उठा पाएंगे और ये वाला पोर्शन वो होना चाहिए जो आपको ईजी लगता है टफ वाले पोर्शन बाद में मत करिएगा पहले हमेशा टफ वाले को टारगेट करिए ताकि वो जल्दी से जल्दी हो जाए आपका टेंशन रिलीव हो जाएगा उसके बाद मॉडरेट फ्रॉम नाइन टू फोर्टीन एंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी में आप इजी चैप्टर्स करेंगे ट्वेंटी फर्स्ट से लेके ट्वेंटी थर्ड तो बेटा वैसे भी हमने इंग्लिश को डिवोट कर दिया है लेकिन अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो फिर यू कैन यूटिलाइज सम टाइम फ्रॉम हियर इन टू द लर्निंग चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि लर्निंग ज्यादा मांगते हैं जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें लर्निंग चाहिए ऑर्गेनिक के कुछ सेक्शंस हैं जो लर्न करना पड़ता है तो अगर आपका इंग्लिश कंफर्टेबल है टिवली तो यू कैन स्पेंड वन वन एंड हाफ टू टू आवर्स पर डे फॉर दीज फॉर लर्निंग चैप्टर्सो अगर आप केमिस्ट्री में वीक है तो ट्वेंटी फोर्थ से लेके ट्वेंटी आपके थ्री एंड हाफ डेज सोलली केमिस्ट्री के लिए हैं इसको कैसे डिवाइड करना है इसके बारे में हम ट्वेंटी फोर्थ को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अब पर डे का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए पर डे बेटा आपके पास टेन आवर्स गो फॉर योर स्लीप एट आवर्स की जो कि आपको चाहिए फूड है फैमिली टाइम है मोबाइल है टीवी है वॉट्स टेन आवर्स के अंदर यह खत्म हो जाना चाहिए जिसमें से एट आवर्स तो स्लीप होना चाहिए यू आर लेफ्ट विद फोर्टीन आवर्स पर डे एंड विच इज टू बी सोली यूटिलाइज फॉर स्टार्टिंग ये फोर्टीन आवर्स को ऑल्सो प्लीज डिवाइड दैम इन टू दलॉट्स ऑफ टू आवर्स तो एटलीस्ट तो फाइव आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आएंगे फॉर योर टू आवर की स्टार्टिंग सिक्स बार आप बैठेंगे टू आवर्स के लिए प्लस अभी भी टू आवर्स और है वो टू आवर्स आपके ब्रेक्स में काम आ जाएंगे बीच में ब्रेक्स भी तो लोगे ना पंद्रह पंद्रह मिनट का भी लोग फोर फाइव पांच बार पंद्रह मिनट लेंगे तो आपका सवा घंटा तो इसी में निकल जाएगा प्लस चेंज ओवर ऑफ सब्जेक्ट तो पर डे आपको सिक्स बार बैठना है फॉर टू आवर्स का सिटिंग एटलीस्ट होना चाहिए इस समय ऑल्सो अगर अवगैन हर रोज मॉर्निंग में मेजर टाइम मॉर्निंग में निकालेगा मतलब आप अपने आवर्स को फोर आवर्स कम से कम मॉर्निंग के लिए रखिएगा फोर आवर्स लंच के टाइम के लिए रखेगा टू आवर्स इवनिंग में और टू आवर्स आफ्टर डिनर दैट इज द आइडियल वे टू स्टडी क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस अच्छा होता है और आपका रिटेंशन बेटर होगा ऑल्सो अगेन एवरी डे बेसिस पे प्लीज टफ चैप्टर्स मॉर्निंग में टफ सब्जेक्ट्स मॉर्निंग में करना सब्जेक्ट्स रात वाले टाइम पे तो प्लीज मेक मेकअप प्रॉपर शेड्यूल आज ही शेड्यूल बनाए ताकि आप कल सुबह से अपने शेड्यूल पर लग जाओ जाओके okay, अब बचा मेरा सब्जेक्ट डिटेल में केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं टोटल ऑफ टेन चैप्टर्स हैं आपके पास जिसमें से फिजिकल केमिस्ट्री में आपके तीन चैप्टर है उसके लिए बेटा प्लीज एक फॉर्मुलर शीट बना लीजिएगा न्यूमेरिकल्स के लिए हर चैप्टर की एक फार्मूला शीट अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिएगा दैट विल मेक लाइफ ईजियर फॉर यू यू जब वो साढ़े तीन दिन आएंगे बिटवीन इंग्लिश एंड केमिस्ट्री तब आपको ये फार्मूला शीट काम आएगी कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो वो अभी आपको करनी पड़ेगी इन दीज एटीन डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए माई एडवाइज कि आपके पास नेम रिएक्शन का शीट होना चाहिए केमिकल टेस्ट का भी शीट होना चाहिए और रीजनिंग क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हुए, हुए हुए होने चाहिए बायोमोलिक्यूल्स एक लर्निंग चैप्टर है इसको टाइम लगता है तो इसको हर रोज हाफ एन आवर तीन चार दिन के लिए देंगे तब वो कहीं जाके रिटेन होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक है अगेन इट विल रिक्वायर लर्निंग इन दोनों चैप्टर्स को टाइम ज़्यादा लगता है और एक बार करने से पूरा रिटेन नहीं होगा आपको दो से तीन बार ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे तब जाके ये वाला सेक्शन रिटेन होगा केमिस्ट्री में एक और चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेकिन इसमें है, है तो वीडियो चैनल पर है अगर आपको चाहिए तो आप वहां से कॉपी आउट कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपको ये लिस्ट याद नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी तो प्लीज लिस्ट ऑफ लिगेंड्स को अपने स्टडी टेबल पर लगाइएगा जब भी आप न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स कर लेंगे तो फॉर्मुला शीट बनाकर स्टडी टेबल पे रख दीजिएगा ऑर्गेनिक जब भी करते हैं तो चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन और केमिकल टेस्ट निकाल कर एक शीट बनाते जाइए ताकि आपकी साढ़े तीन दिन जो बचेंगे उसमें इट डजन बिकम वेरी डिफिकल्ट आई रिपीट वंस अगेन कल से लेके एट तक प्लीज अपने टफ चैप्टर्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स करिएगा नेक्स्ट सिक्स डेज में मॉडरेट चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स के लिए टूवर्ड फिफ्टीन टू ट्वेंटी हैंडल करेगा पर डे बेसिस सब्जेक्ट एंड प्लीज वर्क अकॉर्डिंगली मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा आवर्स निकालिएगा नाइट के लिए कम आर्स रखिएगा और लर्निंग वाले चैप्टर्स के लिए टाइम स्लॉट डिसाइड करना विद आई कम टू द Of planning your February for the CBSE board examination. All the best, do well, study hard, and do awesomely well in your life. Bye, take care, stay happy, stay blessed.